Hello students, today we are going to start with another chapter of English, that is the Thief story. Students, it is written by Ruskin Bond. Here the title suggests the story is regarding a thief. Chor jo hota hai students, thief ka matlab hota hai chor. To ye story typically ek chor pe based hai, ki wo kaise chori karne ki try karta hai, but end of the time he realizes that चोरी करने से अच्छा क्या होता है, लोगों का भरोसा जीतना, लोगों का ट्रस्ट जो है वो बने रहना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी जो है वो थीफ ही नरेट कर रहा है. थीफ इज हिमसेल्फ द नरेटर. सो लेट अस स्टार्ट. आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. तो स्टूडेंट्स, नरेटर मैंने आपको जैसे बताया, जो थीफ जो चोर है वो खुद नरेटर है, वो नरेट कर रहा है अपनी स्टोरी. तो एज अ नरेटर हम स्टडी करेंगे. तो वो क्या बता रहा है, वो थीफ था, वो अनिल को मिला, तभी भी वो क्या था स्टूडेंट्स, एक थीफ एक चोर था. कितने साल का था स्टूडेंट्स ये, 15 साल का. 15 ईयर्स का होते हुए उसके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था चोरी करने का, एंड उसकी सारी चोरी क्या हो रही थी, यहाँ पर सक्सेसफुल हो रही थी. तो यहाँ पर ये बताया गया कि वो 15 इयर्स का है एंड काफी एक्सपीरियंस्ड है एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. मतलब वो कोई भी अगर चोरी करता था तो क्या था, वो उसमें सक्सेसफुल बन जाता था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. तो जब थीफ ने अनिल को अप्रोच किया, पहली बार देखा, तब क्या सिचुएशन थी, व्हाट वाज द सीन. एक रेसलिंग मैच चल रहा था, रेसलिंग तो पता ही है आपको, एक रेसलिंग मैच चल रहा था एंड अनिल खड़े खड़े वो रेसलिंग मैच को देख रहा था. तभी ही शो ये चोर है, थीफ है, उसने अनिल को देखा एंड उसके टुवर्ड्स गया कुछ बात करने. ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो. लीन का मतलब होता है स्टूडेंट्स थिन. एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस. अब जो थीफ है वो कहाँ गया, वो उसके टुवर्ड्स गया. तो उसने देखा कि जो अनिल है वो 25 इयर्स जितना लग रहा था, टॉल था, पतला था, थिन, एंड वो बहुत ही काइंड पर्सन लग रहा था, जिसे वो अच्छी तरीके से उल्लू बना सके और उसे रॉब कर सके. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into young man's confidence. अब यहाँ पर I hadn't had much luck of late, मतलब वो बोलता है कि मेरे नसीब अच्छे नहीं है चोरी करने में. कभी सक्सेसफुल होता है, कभी नहीं होता, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि ये यंग मैन अनिल का कॉन्फिडेंस जो है उसे वो आराम से क्या करेगा, जीत लेगा. बिकॉज अनिल क्या था स्टूडेंट्स, एक काइंड हार्टेड पर्सन, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन बोल सकते हैं. You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. So, abhi thief kya kar raha hai students? Wo maska marne ki try kar raha hai Anil ko. So, usne kya bataya ki arey Anil, aap to kya lag rahe ho? Aap ek wrestler lag rahe ho. Aapki height body achhi hai. Aap ek wrestler jaise lagte ho. Kisi ko maska marte hai students, वैसे ही Anil ko bhi ye thief kya kar raha hai? Maska mar raha hai taki uska confidence jeet sake. So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. So Anil ne bhi usse reply kiya, अरे हाँ हाँ, आप भी क्या लग रहे हो, एक wrestler लग रहे हो. तो जैसे अनिल ने बोला तो उसे थोड़ा सा kind of बोलते हैं ना कि उसे बहुत ही अजीब लगा. He was put off for a moment. क्यों? Because he knew that he is very thin and सामने वाला उसकी क्या कर रहा है, ऐसे ही झूठी मूठी तारीफ कर रहा है. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. अब ये क्या बोलता है चोर जो है वो, कि हाँ हाँ थोड़ी बहुत रेसलिंग मैं कर लेता हूँ. फिर अनिल उसे पूछता है कि what is your name? Hari Singh, I lied. अब यहाँ पर वो चोर जो है वो क्या बोलता है, मेरा नाम हरि सिंह है. लेकिन स्टूडेंट्स, ये हरि सिंह जो है वो उसका ओरिजिनल नेम नहीं है, वो हर मंथ क्या करता है, नए नए नाम रखता है. नई चोरी करेगा, नए जगह पे जाएगा चोरी करने, तो अलग नाम से चोरी करता है ताकि उसे पुलिस ना पकड़ पाए
एंड एम्प्लॉयर्स जो है जहां पर वो काम करता है, जिसके यहाँ चोरी करता है, वो भी उसे पकड़ ना पाए. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, throwing each other about. फिर खुद एक दूसरे का इंट्रोडक्शन हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पर. फिर अनिल किसके बारे में बात कर रहा है, वहां खड़े खड़े wrestlers को देख रहा है एंड जो oiling करते हैं अपनी बॉडी को, वो तो उनके बारे में वो बात कर रहा है कि कैसे वो उठाते एक दूसरे को, लिफ्ट करते हैं एंड फेंकते हैं. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. अब यहाँ पर जो thief है हरी सिंह, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था because उसके पास कुछ बोलने के लिए था नहीं. अनिल चला गया वहां से. जैसे अनिल गया वैसे ही हरी सिंह भी उसके पीछे पीछे गया casually. Hello again, he said. हरी सिंह ने बोला hello. वापस उसे बोल रहा है, मतलब वो उसमें interest दिखा रहा है. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said. हरी सिंह क्या बोल रहा है, वापस गया उसके पास, एक अपीलिंग स्माइल देते हुए बोला कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, आप जो बोलोगे मैं वो काम करने के लिए रेडी हूँ. But I can't pay you. I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. अब यहाँ पर जो अनिल है वो उससे बोलता है कि तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो बट मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता. तो एक बार के लिए जो हरी सिंह है उसे डाउट गया खुद पे कि क्या मैंने जो बकरा बनाया है जिसको मैं रॉब करने वाला हूँ, क्या मैंने उसे सही सिलेक्ट किया है, ये पर्सन के पास तो पैसे ही नहीं है तो मैं क्या लूटूंगा. तो वो उसे ऐसा लगा कि उसने उसके मैन को मिसजज किया है. आई आस्क्ड कैन यू फीड मी. अब जो हरी सिंह है वो क्या बोलता है, क्या अच्छा ठीक है आप मुझे जॉब पे नहीं रख सकते लेकिन क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो. अनिल पूछता है खाना खिला सकता हूँ लेकिन क्या तुम्हें खाना बनाना आता है. सो हरी सिंह रिप्लाई करता है यस यस आई नो हाउ टू कुक. उसे खाना बनाना नहीं आता था स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उसने झूठ बोला यहाँ पर कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ. If you can cook, then maybe I can feed you. अनिल बोलता है कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ. तो तुम मेरे यहाँ पर क्या करोगे, तुम मेरे यहाँ पर कुक की जॉब कर लो, तुम मेरे लिए खाना बनाना एंड वही खाना तुम भी खा लेना. सो एक काइंड ऑफ अग्रीमेंट हो गया ये दोनों के बीच में कि अनिल जो है वो क्या है, बोल सकते हो कि हरी सिंह जो है वो उसका कुक बन गया अभी एंड ही इज एम्प्लॉयड फॉर दैट. He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. अब यहाँ पर जो है अनिल उसे अपने घर ले गया. उसका घर कहाँ सिचुएटेड था स्टूडेंट, Jumna sweet shop, जो एक स्वीट की शॉप थी उसी के ऊपर उसका घर था. एंड उसने अनिल ने क्या किया, अनिल ने जो हरी है उसे बोला कि आप क्या करो, आप यहाँ बालकनी में सो सकते हो. You can sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to the stray dog and told me to be off. अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि हरी सिंह जो है उसे खाना बनाना नहीं आता था लेकिन फिर भी उसने झूठ बोला. तो रात को जब हरी सिंह ने खाना बनाया तब वो खाने लायक नहीं रहा. कैसे पता चला स्टूडेंट्स, बिकॉज अनिल ने वो सारा खाना क्या कर दिया, स्ट्रे डॉग जो रोड पे डॉग होते हैं उन्हें दे दिया एंड हरी सिंह को बोला कि अब तुम क्या करो, तुम लीव ले लो. बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग. उसे निकालने बोला फिर भी वो क्या कर रहा था हरी सिंह, वो अपीलिंग वे में स्माइल करते रह रहा था उसके सामने एंड जो अनिल है वो सिर्फ कंटिन्यूसली हंस रहा था उसे देख के. लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड यू टीच मी हाउ टू कुक. अब उसने धीरे से ऐसे फिर उसके हेड को पैट किया एंड उसे बताया तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा. ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू एड नंबर. अब यहां पर उसने क्या बोला कि मैं तुम्हें
सिर्फ खाना बनाने नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखने सिखाऊंगा, तुम्हें सेंटेंसेस लिखने सिखाऊंगा, तुम्हें नंबर्स लिखने सिखाऊंगा, एंड उसे ऐड कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा, ताकि मैं तुम्हें एडुकेट करूंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एडुकेटेड मैन, देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। अब ये सुन के हरी सिंह जो है वो बहुत ही खुश हो गया। वो सोच रहा था कि हाँ, अगर मैं एजुकेटेड हो जाऊंगा तो क्या होगा, मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ, मैं सारी चीजें अचीव कर सकता हूँ। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत अच्छा लग रहा था। अब हरी सिंह क्या क्या करता था, सुबह चाय बनाता था, दिन के सामान लेने मार्केट में जाता था, एंड अनिल जो उसे पैसे देता था सामान देने के लिए, उसमें से रोज वो 1 रुपी बचाता था, तो 1 रुपी क्या होता था, उसका प्रॉफिट बन जाता था। जैसे कि एग्जाम्पल 15 रुपीज दे रहा है डेली, तो 14 रुपीज की सब्जियां एंड सप्लाईज लेता था एंड 1 रुपीज अपना प्रॉफिट कमीशन रखता था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट 1 रुपी अ डे। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। उसे पता था अनिल को कि 1 रुपीज क्या कर रहा है, प्रॉफिट जमा कर रहा है, बट अनिल को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब स्टूडेंट्स, अनिल के पास पैसे कहाँ से आ रहे थे? आपको मैं बता दूं, अनिल सैलरी बेस्ड पर्सन नहीं था, उसकी कोई फिक्स सैलरी नहीं थी, रेगुलर इनकम नहीं थी, वो किसी मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखता था एंड वहां से पैसे आते थे, एंड जो पैसे आते थे स्टूडेंट्स, उससे वो क्या करता था, सेलिब्रेट करता था, अपने फ्रेंड्स को पार्टी देता था एंड अपनी लाइफ को एंजॉय करता था ये तरीके से। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, दैट इज इररेगुलर इनकम। ही वुड बोरो 1 वीक, लेंड द नेक्स्ट। क्या करता था, किसी से बोरो करता था पैसे एंड अपना गुजारा करता था, एंड जैसे मैगजीन्स के थ्रू या किसी के थ्रू पैसे आते थे वो उसे रिटर्न करता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। वो पैसे की चिंता करता था कि नेक्स्ट चेक कब आएगा, कब क्लियर होगा, कब पैसे मिलेंगे। जैसे पैसे आते थे स्टूडेंट्स, वो क्या करता था, कहीं बाहर चला जाएगा एंड सेलिब्रेट करता था। तो अनिल जो है वो काइंड हार्टेड पर्सन है एंड सबसे जॉली पर्सन कहा जा सकता है। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग। अब वो मैगजीन्स लिखता था स्टूडेंट्स, मैगजीन लेके कितना पैसा कमा सकते हो आप, बहुत कम, लेकिन फिर भी ये पर्सन क्या करता था, मैगजीन्स लिखता था, आर्टिकल्स लिखता था एंड उसी से अपना खर्चा चलाता था। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। अब एक इवनिंग की बात है स्टूडेंट्स, जो अनिल है वो घर आया एंड उसके पास बंडल ऑफ नोट्स थी एंड उसने बताया हरी सिंह को कि ये एक पब्लिशर जो है, मैंने एक बुक बेची है एक पब्लिशर को एंड पब्लिशर ने मेरी बुक खरीदी एंड मुझे ये पैसे दिए हैं। और रात को क्या किया स्टूडेंट्स, अनिल जब सो रहा था तब उसने क्या किया, अपने मैट्रेस के नीचे जहां वो सो रहा था वो मैट्रेस के नीचे पैसे रख दिए। I had been working for Anil since almost a month. Apart from cheating on the shopping, I had nothing done anything in my line of work. अब यहाँ पर क्या बोल रहा है हरी सिंह कि एक महीना हो गया अनिल के यहाँ काम करते हुए, लेकिन चीटिंग के अलावा जो 1 रुपीज प्रॉफिट में जमा कर रहा था, चीटिंग के अलावा उसने अपना काम कुछ नहीं किया। लाइन ऑफ वर्क का मतलब होता है जो उसका काम, प्रोफेशनल काम, चोरी करना, वो तो अभी तक उसने स्टार्ट ही नहीं किया। उसके पास तो 100 अपॉर्चुनिटीज थी अनिल को चीट करने की। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। कैसे, क्या अपॉर्चुनिटी थी स्टूडेंट्स, जो अनिल है उसने डोर की किसको देके रखी थी, हरी सिंह को देके रखी थी, तो वो जब चाहे तब क्या कर सकता था, उसे चीट कर सकता था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। जैसे अच्छा लगे वैसे क्या कर सकते हैं, आ जा सकता है अनिल। He was the most trusting person I had ever met. सबसे ज्यादा अच्छा पर्सन था वो।
एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम. इसलिए स्टूडेंट्स क्या था, बहुत तकलीफ होती है ऐसे ट्रस्टवर्दी पर्सन को रॉब करना. इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, बट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन. अब स्टूडेंट्स कोई ग्रीडी पर्सन को आप उसको रॉब करोगे, उसके वहां चोरी करोगे ना, तो वो ग्रीडी है, मतलब उसके पास बहुत पैसे होंगे, तो उसको वो अफोर्ड कर सकता है, उसे फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन. समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज बीइंग रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर्स आउट ऑफ द वर्क. अब एक केयरलेस पर्सन के वहां आप चोरी करोगे तो उसे तो ये भी नहीं पता होगा, ही इज नॉट इवन बॉदर्ड कि भाई चोरी हुई है नहीं हुई है, पैसे गए हैं नहीं हुए, तो वो चोर को मजा कैसे आएगा, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा चोरी करने का. तो इसलिए यहाँ पर बोला है ग्रीडी रहेगा, वो एक एक रुपए का हिसाब देखता है, एंड जो केयरलेस है उससे पता ही नहीं चलता कि उसके वॉलेट में से कोई पैसे ले रहा है कि क्या कर रहा है, इवन डजंट नोटिस इट. वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड myself. अब वो बोल रहा है हरी सिंह कि अभी तो मुझे क्या करना है, मुझे मेरा काम चोरी करना है, अब मैं प्रोफेशनल काम मेरा करूंगा. आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक द मनी He'll waste on in its friend. अब यहाँ पर बोला है कि अगर मैं पैसे नहीं लूंगा उससे, तो अगर मैं उसके पैसे नहीं चोरी करूंगा तो कल वो क्या कर देगा, जाके अपने फ्रेंड्स पे खर्च कर देगा, पार्टी दे देगा उनको, एंड वो तो मुझे पे भी नहीं करता है, मैं इतना काम करता हूँ उसके लिए, सिर्फ खाना देता है मुझे, पैसे तो देता नहीं है. तो हरी सिंह ने सोचा कि मैं क्या करूंगा, ये सारे पैसे मैं रख लूंगा. तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट पार्ट का एंड है. हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में वेदर दिस पर्सन हरी सिंह बिकम सक्सेसफुल, क्या वो सक्सेसफुल बनता है ये चोरी करने में, क्या वो चोरी करता भी है या नहीं, ये हम सेकेंड पार्ट में जानेंगे. तो स्टूडेंट्स इफ यू लाइक द वीडियो, आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, आप उसे शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.